वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किस तरीके से एलसीएम कर सकते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बीजीय व्यंजकों का लासापा। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2xy, 7x2y और 4x2y2। अब आप इस एक्सप्रेशन का एलसीएम किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, इन सभी एक्सप्रेशन का एलसीएम लेना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको 2xy का फैक्टराइजेशन करना है, फिर 7x2y का फैक्टराइजेशन करना है, और फिर सबसे बाद में 4x2y2 का फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम 2xy के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए, 2xy के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 2 × x × y। इसी तरीके से अगर हम 7x2y के फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 7 × x × x × y। इसी तरीके से अगर हम 4x2y2 का फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4x2y2 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए, 4 के फैक्टर करते हैं तो यहां हमें क्या मिलता है? 2 × 2 = 4। ठीक, यहां पर कर लेते हैं × x × x × y × y। फिर आपको देखना है इन तीनों एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं। उन कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, और x यहां पर भी है। x को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, मल्टीप्लाई y। ठीक, सबसे पहले देखना है आपको इन तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन कौन है, फिर आपको देखना है इन दो एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन कौन सा कॉमन है, फिर आपको देखना है जो अलग से कोई भी चीज कॉमन नहीं है फिर हम उसका भी मल्टीप्लाई यहां पर करा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तीनों में कॉमन क्या था? एक्स और वाई हमने बाहर निकाल लिया। अब हम देखेंगे दो एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है। तो देखिए, यहां पर कॉमन है 2, यहां पर भी है 2, यहां पर भी है, तो मल्टीप्लाई 2। ठीक, और क्या कॉमन है? देखिए, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो मल्टीप्लाई x। ठीक, अच्छा, फिर हमारे पास क्या बचा? अब कोई चीज कॉमन है? नहीं है। ठीक है, पहले तीन में कॉमन, फिर दो में कॉमन, फिर जो भी चीज कॉमन नहीं निकलती है उसको भी हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए, यहां पर बचा 7 × 7 लिख लेते हैं, यहां पर बचा 2 × 2 लिख लेते हैं, और यहां पर बचा हमारे पास 5 × 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एलसीएम होगा। सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए, 2 × 7 = 14, 14 × 2 = 28 हो जाएगा। ठीक है, x² y² यहां पर आ गया y², यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x³ − 18x और x² − 4x + 3। अब आप इसका एलसीएम किस तरीके से लेंगे? तो देखिए, इसका एलसीएम भी लेना बहुत इजी है। सबसे पहले आप इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2x³ − 18x। सबसे पहले आपको देखना है क्या इन दोनों टर्म में से कोई चीज कॉमन निकल रही है। जी हाँ, इसमें से कॉमन निकल रही है। क्या निकल रहा है कॉमन? 2 निकल रहा है। तो देखिए, यहां पर तो 2 आ गया। ठीक है, और ये कैसे 2 निकला? 2 × 9 = 18। ठीक, तो हमने 2 बाहर निकाल लिया। अच्छा, और क्या चीज कॉमन है? x भी कॉमन है, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, x बाहर निकाल लिया। ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा? x² बचा। ठीक है, क्योंकि 2x तो बाहर आ गया, माइनस। ठीक है, जब हमने 2x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा? 9। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर हम लिख लेते हैं 2x, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए, x² किसका स्क्वायर होता है? x का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी लग रही है? a² − b², जिसका मतलब होता है a + b और a - b। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2x। ठीक, x² − 3 का स्क्वायर है ना, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में x + 3 और यहां पर x - 3। ठीक, इस तरीके से देखिए, ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x² − 4x + 3। अब आप इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है x² का कॉफिशियंट नंबर क्या है? 1। ठीक, और हमारा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? 3। 1 का मल्टीप्लाई हम 3 में करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3। आपको 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस या माइनस करने पर तो आपका 4 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 3 आ जाए। तो देखिए, 3 × 1 = 3 होता है, और अगर हम 1 + 3 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4 मिल जाता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x² − अच्छा, एक किस पे गया? प्लस पे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1 + 3 और बाहर x + 3। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। x² − ± 1 का मल्टीप्लाई x से करा देंगे तो क्या मिलेगा हमें? x − ±
3 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें 3x, ठीक, प्लस 3। अब आपको इन दोनों टर्म में कॉमन निकालना है और इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर निकालना है। तो देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x, ब्रैकेट में डालते हैं अंदर क्या रह जाएगा x माइनस, x तो बाहर निकाल ही लिया हमने, उधर क्या बचा 1 बचा, ठीक, माइनस। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3, 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, ब्रैकेट बना लिया x माइनस प्लस माइनस, जब हमने 3 बाहर निकाल लिया तो उधर क्या बचा 1, ठीक। अच्छा अब इन दोनों में भी कोई चीज़ कॉमन है, कौन सा फैक्टर कॉमन है, x माइनस 1, x माइनस 1 निकाल लिया एक तो बाहर, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको देखना है इन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन में से कौन से फैक्टर कॉमन है, उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए x माइनस 3 यहाँ पर भी है, x माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं x माइनस 3। अच्छा दूसरा कोई फैक्टर कॉमन है, नहीं है, ठीक है, कॉमन को हम एक बार उतार लेते हैं और जो हमारा फैक्टर कॉमन नहीं है उसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो सबसे पहले हम उतार लेते हैं x प्लस 3, यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 3, फिर हम लिख लेते हैं x माइनस 1, यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 1। अच्छा यहाँ पर क्या बचा 2x, तो यहाँ पर हम आगे इसको 2x लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका LCM, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4x² माइनस y² कॉमा 10x³ माइनस y³ और 6 ब्रैकेट में क्या है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। तो सबसे पहले हम इन सभी के अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 4x² माइनस y² के फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो देखिए 4 के फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2 x² माइनस y², कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर a² माइनस b², जिसका मतलब होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो देखिए x² माइनस y², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y, ठीक, इसके ये फैक्टर बन गए। फिर हम कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन के फैक्टर, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10x³ माइनस y³। अच्छा 10 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है हमें 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बनना है, x³ माइनस y³ का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस y और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस xy, ठीक, इसके भी फैक्टर हो गए। अच्छा फिर हम अपने लास्ट फैक्टराइजेशन और कर लेते हैं 6x⁴ माइनस y⁴, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा 6 के फैक्टर करते हैं तो क्या मिलता है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, ठीक है। अच्छा अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो देखिए ये बनेगा x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, अंदर बाहर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तभी तो जाके 4 बनेगा। तो थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा प्रॉपर्टी लग रही है हमारी a² माइनस b², जिसका मतलब होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² प्लस y² और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं x² माइनस y², ब्रैकेट क्लोज। अच्छा थोड़ा सा इसे और सॉल्व करना पड़ेगा, ये और सॉल्व हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा प्लस की डिजिट हमारी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन माइनस की डिजिट एक बार फिर से ये फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है। अच्छा कौन सा a² माइनस b² दोबारा से बन गया, ये मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस y एंड x माइनस y। तो देखिए तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर करने के बाद अब हम देखेंगे इन तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तीनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2। अच्छा और क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ पर भी है और x माइनस वाई यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस वाई। अच्छा आप तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन में से देखिए कोई चीज़ कॉमन है जो तीनों में हो, नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई चीज़ दो में कॉमन हो तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो देखिए दो में कॉमन क्या है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है और x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस वाई। अच्छा और दो में क्या चीज़ कॉमन है जो दो में हो, तो सबसे पहले हमें इन तीनों में कॉमन देखना था, फिर दो में कॉमन देखना है, फिर बाद में जो फैक्टर हमारे बचे आते हैं उनको हम उतार लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास x² प्लस y² यहाँ पर लिख लेते हैं x² प्लस y². अच्छा और कौन सा फैक्टर बचा है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं x² प्लस y² प्लस xy, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये भी हो गया हमारा। अच्छा और कोई चीज़ रह गई है, हाँ जी अब रह गया हमारे पास 2 बचा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2।
अच्छा और क्या बचा, 5 बचा है मल्टीप्लाई 5, और क्या रह गया हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई 3। ठीक, इन सभी का हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा एलसीएम का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, इन चारों का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए 2 2 4, 4 5 20, 20 3 60, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60। अच्छा फिर लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब आप इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आप इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट नंबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट नंबर है हमारे पास 3 लिख लेते हैं। अच्छा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम 2 लिख लेते हैं। 3 2 6, 6 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस या माइनस करने पर तो आपका 5 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 आ जाए। तो देखिए किस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पर बन रहे हैं इसके फैक्टर 6 मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि 6 बन जाए तो 6 हो जाएगा, और 6 में से अगर हमने 1 को माइनस कर दिया तो हमारे को क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वल लगा के 3x स्क्वायर प्लस, किस पे क्या, माइनस करने पे 6 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बाहर x माइनस 2। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 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 प्लस, मीन्स 6 का मल्टीप्लाई x से करा देंगे तो क्या आएगा 6x, प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर हम x में कराते हैं तो क्या आता है हमारा x माइनस 2 इक्वल। अब इन दोनों टर्म में कॉमन और इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर को निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर क्या निकल रहा है, 3 को बाहर ले लिया, और क्या चीज़ कॉमन है, x भी कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं, अंदर क्या रह गया, जब 3x तो बाहर निकल गया, यहाँ पर बचा हमारे पास x, प्लस जब 3x बाहर ले लिया तो वहाँ क्या बचा, 2 बना लेते हैं, माइनस, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 1, जब कोई भी टर्म में हमारा नंबर कॉमन नहीं है तो वहाँ पर 1 निकाल लेते हैं, 1 ले लिया, यहाँ क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या बचा 2, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अब इन दोनों में भी कॉमन क्या है, x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 3x माइनस 1। तो इस तरीके से देखिए इसके फैक्टर बन जाते हैं हमारे। ठीक, अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर किस तरीके से करने हैं, सबसे पहले आपको देखना है x स्क्वायर का कॉफिशियंट नंबर क्या है, 2। ठीक, 2 का आपको मल्टीप्लाई कराना है कॉन्स्टेंट टर्म से। ठीक, तो कॉन्स्टेंट टर्म भी 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो क्या आएगा, 4। 4 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस या माइनस करने पर तो आपका 5 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आ जाए, तो कैसे आएगा, तो देखिए 4 वन सा तो 4 होता है, और 4 प्लस 1 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस, किस पे जाएगा, प्लस करने पर, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 4 प्लस 1 ब्रैकेट और बाहर x प्लस 2, क्योंकि 4 वन सा 4 एंड 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इक्वल 2x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, 4 का मल्टीप्लाई x में करा देंगे 4x, 1 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो यहां पर क्या आएगा x प्लस 2। अब इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर और इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर निकालना है। तो देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर क्या है, 2 आ गया एक तो बाहर, क्योंकि 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 2 4, और क्या कॉमन है, x, ब्रैकेट बना लेते हैं, क्या बचा वहां पर x, प्लस 2x तो बाहर आ गया, वहां क्या बचा 2, ब्रैकेट प्लस, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, जिसमें कोई एक नंबर कॉमन नहीं है वहां पर क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, 1 बाहर निकाल लिया, यहां पर x प्लस प्लस प्लस, क्या बचा 2। अब इन दोनों टर्म में भी कॉमन क्या है, x प्लस 2, और यहां पर लिख लेते हैं 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये इसके भी अब फैक्टर हो गए। अब आपको देखना है इन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर है यहां पर x प्लस 2, यहां पर भी है x प्लस 2, यहां पर भी है, यहां पर तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 2। अच्छा अगर क्वेश्चन में कहता है इसका HCF निकालो, तो इसका HCF केवल यही हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। लेकिन जब बात आती है LCM की, तो सबसे पहले हम कॉमन नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो हमारे टर्म बच जाते हैं हम उनको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए 3x माइनस 1 बचा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x माइनस 1। अच्छा फिर क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस 1, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यही हमारा LCM हो जाएगा।
ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।